लोकसभा सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सलामती और लंबी उम्र की कामना करने के लिए रविवार को हैदराबाद के बागे जहां आरा में एक व्यवसायी ने 101 बकरियों की बलि दी है। बकरियों के बलिदान के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आयोजन में मलकपेट विधायक और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अहमद बलाला भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिल्ली जा रहे सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गोली लगने के कुछ दिनों बाद ये बात सामने आई है। हालांकि फायरिंग करने वाला बिना किसी चोट के भाग गया। 3 फरवरी को हुए इस हमले के बाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ओवैसी के समर्थक उनकी सलामती और लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहे हैं। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा को दी थी, हालांकि उन्होंने इसे खारिज कर दिया। ओवैसी पर हुए हमले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हालांकि हमले के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें 14 दिन की जेल भी हो चुकी है। इसके बाद भी अभी तक कई और लोगों के हमले में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि हापुड़ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गोलीबारी में इस्तेमाल हथियार मेरठ से खरीदे गए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी। गाजियाबाद में ओवैसी पर फायरिंग के दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा था कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर 2 अज्ञात युवकों ने गुरुवार की दोपहर गोली चलाई। सबसे पहले ओवैसी ने ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी। घटना दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे के छिजारसी टोल प्लाजा पर हुई थी।